हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 26th ऑफ जुलाई की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का, डेंजरस ओवरहॉल। तो यहाँ डेंजरस एडजेक्टिव है और ओवरहॉल नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ous आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ओवरहॉल को मॉडिफाई कर रहा है, ओवरहॉल नाउन है, ठीक है। ओवरहॉल का मतलब क्या है वो लिखेंगे आप। ओवरहॉल, ओवरहॉल से मतलब है रिफर्बिश करने को बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से रिकंडीशनिंग मान लो, या आप इसे क्या कह सकते हो, कंप्लीट चेंज मान लो, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट चेंज, पूरी तरीके से बदलने की प्रक्रिया, उसे हम बोलते हैं क्या, ओवरहॉल। डेंजरस है तो खतरनाक है। तो कैसा बदलाव है ये? ये बदलाव है बहुत ही खतरनाक बदलाव है। किस बारे में लिखा गया है? लिखा गया है इसराइल जुडिशियल ओवरहॉल प्लान। इसराइल देश का नाम, इसराइल अपोस्ट्रोफे एस है तो इसराइल का, जुडिशियल मतलब न्यायिक, है ना, ओवरहॉल मतलब बदलाव, प्लान मतलब योजना। तो ये लिखा गया है इसराइल की जो न्यायिक बदलाव की योजना है, न्यायिक जो मतलब जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसमें जो आप चेंज करना चाह रहे हो, उसमें जो आप एक प्रकार से चीज़ों को वैसे रिपेयर करने को, मेंटेन करने को भी बोलते हैं ओवरहॉल, तो जिसको आप पूरी तरीके से नया बदलाव लेना चाह रहे हो उसकी जो योजना है उसको लेकर लिखा गया है। जिस शब्द के साथ ये अपोस्ट्रोफे लगता है वो नाउन होता है, बताया था, और जिस शब्द अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है। अब यहाँ जुडिशियल नाउन नहीं है क्योंकि इस शब्द के साथ वास्तव में जुड़ा हुआ तो प्लान है, प्लान यहाँ पे नाउन है, ओवरहॉल भी नाउन है, तो दो नाउन है, तो कंपाउंड नाउन है, और जुडिशियल है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। AL एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, बताया गया था आपको। ये तो है इस हेडलाइन का मतलब। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसराइल विल बी वीकर, इसराइल और अधिक कमजोर हो जाएगा। वीकर क्या है? वीक की डिग्री कंपेरेटिव, वीक, वीकर और वीकेस्ट। तो इसराइल और अधिक कमजोर हो जाएगा, विल बी है तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म है, फ्यूचर इनडेफिनेट है। इसराइल और ज्यादा कमजोर हो जाएगा एंड मोर ऑथोरिटेरियन, और अधिक क्या हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन हो जाएगा। तो लिखें ऑथोरिटेरियन क्या होता है, ऑथोरिटेरियन ये क्या होता है? ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है डेस्पोट, या इसे कह सकते हो टायरेनिकल। टायरेनिकल मतलब निरंकुश, तानाशाह, डिक्टेटर, डिक्टेटर, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसराइल क्या हो जाएगा, और अधिक कमजोर हो जाएगा, और अधिक तानाशाही इसमें आ जाएगी। किसके बाद? अंडरमाइन करने के बाद। अंडरमाइन क्या है? कमजोर करना। तो वीकन इसका सिनोनिम है, एक इसका सिनोनिम होता है इरोड, और एक इसका सिनोनिम होता है डीबिलिटेट, डीबिलिटेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ing लगता है, अंडरमाइन करने के बाद। अंडरमाइन का मतलब कमजोर करने के बाद, किसको? जुडिशियरी को। जुडिशियरी होता है न्यायपालिका, ठीक है। तो इसराइल और अधिक कमजोर हो जाएगा, और अधिक तानाशाह हो जाएगा, किसके बाद? न्यायपालिका को कमजोर करने के बाद। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। अब काम की बातें क्या थी? एक तो वर्ड आपको ये ध्यान रखना है ऑथोरिटेरियन एडजेक्टिव है, है ना, और एक यहाँ पे अंडरमाइनिंग ये वर्ब है। वैसे यहाँ पे आफ्टर के बाद है तो जेरेंड का काम कर रहा है। जुडिशरी के पहले दे लगेगा, तो जो सरकार के तीन अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन तीनों से पहले हम दे लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, उससे पहले बता देता हूँ आपको कि एक हमारे शॉर्ट्स का चैनल चल रहा है, नया चैनल आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको दे रखा होता है टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर डे आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बहुत कम समय, मतलब एक एक मिनट में इतना बड़ा स्टफ मिल जाता है जो आपको और चैनल्स पे 15-20 मिनट में मिलेगा। तो ऐसा स्टफ वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। दूसरा, एक आशीष क्लासेस शो, आशीष क्लासेस क्विज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे क्विजेज पर डे प्रैक्टिस करने के लिए। और इस जो एडिटोरियल सेशन हम डिस्कस करते हैं, इसको अटेंड करने का सही तरीका बता दूं आपको कि आप पेन नोटबुक लेकर बैठा करो, रेगुलर देखा करो, स्किप नहीं करना है कोई भी सेशन, पूरा देखना है, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है। और आप जो जो चीज़ें नहीं देखते हैं उसको नोट करते हुए चलना है, और अगले सेशन से पहले उन सबको रिवाइज करके आना है। ये प्रोसेस अगर आप अपनाएंगे
तो आप देखेंगे 3-4 महीनों में इतना अच्छा आप में इंप्रूवमेंट आ गया है, जो आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश बड़ा मुश्किल है वो बड़ी आसान आपको लगने लग जाएगी। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। बेंजामिन नेतन्याहू ये है प्राइम मिनिस्टर, किसके? इजराइल के राइट विंग प्राइम मिनिस्टर है। ये राइट विंग का मतलब होता है कंजर्वेटिस्ट, जो कंजर्वेटिव दृष्टिकोण के होते हैं, जो पारंपरिक चीजों को ही फॉलो करते हैं, जो चेंज के खिलाफ होते हैं, उसको राइट विंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, अब दे रखा है परिचय, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। कैसे है? राइट विंग है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? स्कोर किया। स्कोर का मतलब क्या है वो लिखिए। स्कोर जो शब्द है ये क्रिया है यहां पे। स्कोर का मतलब है गेन करना, अचीव करना। क्या है? गेन, प्राप्त करना, अचीव करना। तो इन्होंने किया प्राप्त। क्या प्राप्त किया भाई? इन्होंने प्राप्त किया लेजिस्लेटिव विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत, और जीत कैसी है? लेजिस्लेटिव मतलब वैधानिक, कानूनी जीत इन्होंने प्राप्त की है। ऑन मंडे, कब? मंडे को। कब? वैन, वैन आ गया मंडे के लिए। जब हिज कोलिशन, कोलिशन मतलब गुट, उनका जो फैक्शन है, कोलिशन का मतलब लिख लीजिए फैक्शन, COALITION, कोलिशन नाउन है, क्योंकि TION दे रखा है लास्ट में, इसका मतलब होता है फैक्शन, गुट। तो जब उनके फैक्शन ने, जब उनके कोलिशन ने क्या कर दिया? पास कर दिया, पारित कर दिया। क्या? एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए जुडिशियल ओवरऑल प्लान इन द नेसेट। नेसेट वहां के संसद का नाम है इसराइल के। तो संसद जो है वहां की, वहां पे जो उनका जुडिशियल ओवरहॉल प्लान था, वो चाह रहे थे कि एक न्यायपालिका में बदलाव किया जाए, उनकी जो योजना थी उसका एक इम्पोर्टेंट भाग पारित कर दिया, पास कर दिया, बट एट ए ग्रेट कॉस्ट। लेकिन लेखक कह रहा है कर तो दिया पारित, लेकिन बहुत बड़ी कीमत इसको चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत यहाँ पे इनको चुकानी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ेगा इनको ये, इस कीमत पर इन्होंने पास किया है। अब फिर समझो विस्तार से, सब्जेक्ट है बेंजामिन नेतन्याहू, वर्ब है सब इसकी स्कोर्ड। नेतन्याहू का परिचय है कि ये कौन है, ये इजराइल के राइट विंग प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने स्कोर किया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। क्या? विक्ट्री। विक्ट्री कौन सी? लेजिस्लेटिव। ए लग रखा डिटर्मिनर, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। कब? मंडे को। जब हम पर्टिकुलरली किसी डे और डेट की बात करते हैं, उसी दिन और उसी दिनांक की बात करते हैं, तो ऑन लगाते हैं, तो ऑन लग रखा है। वैन है वो एडवर्ब है, समय बताता है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, संबंध बता रहा है किससे? मंडे से। मंडे को क्या हुआ था? उनके कोलिशन ने क्या किया? पास किया। क्या? एक इंपॉर्टेंट पार्ट। कोलिशन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, पास है यहाँ पे वर्ब, इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। किसका पार्ट? जुडिशियल ओवरऑल प्लान का। कहाँ पर? नेसेट में। लेकिन किस कीमत पर? एक ग्रेट कॉस्ट पर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? द कंट्रोवर्शियल बिल, कंट्रोवर्शियल का होता है डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद। ठीक है, तो ये जो कंट्रोवर्शियल बिल है, एक जो बिल उन्होंने पारित किया है, वोज पास्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया भाई। क्यों? क्योंकि वोज के साथ थर्ड फॉर्म है, वोज है वो बी का रूप होता है। तो कह रहा है कि जो ये विवादास्पद बिल है, बिल यहाँ पे नाउन है, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है, तो ये विवादास्पद बिल को पारित किया गया। किसके सपोर्ट से? विद द सपोर्ट ऑफ मिस्टर नेतन्याहू 34 कोलिशन लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स का मतलब होता है विधायक, ठीक है, या सांसद, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं। तो उनका जो गुट है, उसके 64 विधायकों के द्वारा, उनके सपोर्ट से ये पास किया गया। तो कंट्रोवर्शियल बिल आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, वॉज पास्ड है ये वर्ब है और पैसिव है। किसके सपोर्ट से? तो विद यहाँ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है विद का। याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो जो प्रेपोजिशन होते हैं अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट चाहे सेंटेंस का हो, चाहे किसी प्रेपोजिशन का हो, हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होता है। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे विद का ऑब्जेक्ट है, वो सपोर्ट है मिस्टर नेतन्याहू के सपोर्ट से, और फिर प्रेपोजिशन है इसकी, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉलिशन लॉ मेकर्स है। नेतन्याहू जो दे रखा है, ये जिनेटिव केस है, अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे के पहले वाला शब्द नाउन होता है, इसके बाद वाला शब्द भी नाउन है, तो कॉलिशन लॉ मेकर्स की कंपाउंड नाउन है। 64 संख्या है, तो संख्या जो होती है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो विवादास्पद बिल है, ये पारित किया गया किसके सपोर्ट से? नेतन्याहू के 64 कॉलिशन लॉ मेकर्स के सपोर्ट से। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेंस्ट जीरो, जीरो के तुलना में, ये अगेंस्ट है, ये इन कंपैरिजन के अर्थ में आ रहा है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इस तुलना में, मतलब इनके अगेंस्ट वोट गिरा ही नहीं, 64 के 64 फेवर में गिरे, बिल के फेवर में गिरे, जीरो मतलब उधर कोई वोट डला ही नहीं। क्यों नहीं डला? आगे बता रखा है, वाइल द ऑपोजिशन बाइकोटेड द वोट, जहां जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, उसने तो बहिष्कार किया इस वोट का, एंड थाउजेंड्स प्रोटेस्टेड आउटसाइड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो वहां की नेसेट है, उसके बाहर हजारों ने किया विरोध, है ना। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, एजिटेट करना,
प्रोटेस्ट के सिनोनिम आप चाहो तो नोट कर लीजिए, वैसे तो बहुत सिंपल है, पहले काफ़ी बार आप देख चुके होंगे न्यूज़पेपर में। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो इसको लिखिए आप एजिटेट, एजिटेट प्रोटेस्ट, ठीक है। और क्या कर सकते हो, इसको रिवोल्ट भी कर सकते हो, विरोध करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, 64 विधायकों के सपोर्ट में, लॉ मेकर्स के सपोर्ट में, कोलिशन है तो इनका गुट है, इनकी पार्टी का जो गुट है उसके 64 लोगों ने वोट डाला इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट कोई वोट डाला ही नहीं, कारण था कि ओपोजिशन ने तो कर दिया बाइकॉट। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, जहां वाइल है वो बताता है ये कंजंक्शन है, एक तरफ ऐसा हुआ दूसरी तरफ ऐसा हुआ। एक तरफ क्या हुआ कि ओपोजिशन ने बाइकॉट किया वोट का, ओपोजिशन के वर्ब है वो बाइकॉटेड है, वोट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, और थाउजेंड्स, यहाँ थाउजेंड्स कैसे लग गया, थाउजेंड में एस कैसे जुड़ गया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे इससे पहले कोई संख्या नहीं है, अगर इससे पहले कोई संख्या होती तो फिर हम एस और ईएस इसमें नहीं जोड़ते, ठीक है। अगर इनसे पहले कोई संख्या होती, मैं बता दूं आपको कि थाउजेंड हो, हंड्रेड हो, मिलियन हो, बिलियन हो, डजन हो, सब में एक ही कहानी लगती है। जब जब इनके साथ एस और ईएस जोड़ रखा होता है तब तब इनके, मतलब इनके पहले कोई संख्या नहीं दे रखी होती तभी जुड़ता है ये, ठीक है। तो थाउजेंड्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, किसके बाहर, पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट शब्द की कहानी है, याद रखिएगा कि पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, पार्लियामेंट शब्द की बात कर रहा हूं, नेसेट जैसे आया था उसकी बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट शब्द अगर है तो कोई आर्टिकल लगता नहीं है इससे पहले। लगेगा कब, जब बता रखा हो पार्लियामेंट कहाँ की है, पार्लियामेंट ऑफ इसराइल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, ऐसा दे रखा हो तो दे लग जाता है, ठीक है। आगे देखो, हिज कोलिशन, ये हिज किसके लिए है, ये नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू प्रधानमंत्री है उनके लिए है। ऑफ राइट विंग, अब उनका जो कोलिशन है, उनका जो गुट है पार्टी में, वो किसका है, राइट विंग है, मतलब कंजर्वेटिस्ट है वो, मतलब पारंपरिक परंपरा पे फॉलो करने वाले लोग हैं वो, कभी भी चेंज नहीं चाहते, सोशल चेंज के खिलाफ होते हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज, अल्ट्रा का मतलब होता है एक्सेसिव, जहां भी अल्ट्रा लगा हुआ रहे इसका मतलब होता है एक्सेसिव। कभी आपने क्रिकेट में सुना होगा कमेंटेटर बोलते हैं अल्ट्रा एज लगा है, अल्ट्रा एज का मतलब जो बैट का किनारा लगा है वो काफी बड़ा एज है, काफी बड़ा किनारा उसका लगा है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, उनका जो कोलिशन है राइट विंग और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है परंपरावादी, रूढ़िवादी, जो केवल परंपराओं को फॉलो करते हैं, जो लिबरल नहीं होते हैं, जो मॉडर्निटी को फॉलो नहीं करते हैं, वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स। जैसे कहें कि परिवार में ऐसे लोग जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो परंपरावादी होते हैं, ठीक है। आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, दौर बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन आपके परिवार में, मेरे परिवार में, किसी के परिवार में बुजुर्ग लोग जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, वो परंपराओं को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, जबकि ये जो अब पीढ़ी चल रही है, आने वाली पीढ़ी है, वो परंपरावादी नहीं होती है, वो मॉडर्निटी को फॉलो करने वाली होती है, तो ये होता है ऑर्थोडॉक्स। तो क्या कहना चाह रहा है कि उनका जो कोलिशन है राइट विंग का और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज है सेज, अब ये कोलिशन जो है ये सब्जेक्ट है, ये कोलिशन किस किस का है, एक तो राइट विंग का, दूसरा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज का, ये कोलिशन कहता है, ये कोलिशन की वर्ब है, ये क्या कहता है, द लेजिस्लेशन, ये कहता है कि जो ये विधेयक है, लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन क्या होता है, कानून होता है, विधेयक होता है, विच वुड टेक अवे द सुप्रीम कोर्ट्स एबिलिटी टू रिव्यू द गवर्नमेंट्स अनरीजनेबल डिसीजंस इज टू ब्रिंग अ बैलेंस। तो ये कहता है कि जो ये विधेयक है जो हम पारित करवा रहे हैं, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जब जब बीच में आता है तो इसको ग्रामर की भाषा में कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या काम करता है, ये अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है, पहले वाले शब्द को जोड़ता है, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, ये विधेयक जो है वो टेक अवे करेगा, ले जाएगा, टेक अवे मतलब ले जाएगा, टेक मतलब ले जाना, अवे का मतलब दूर। वुड है क्यों, क्योंकि ये इमेजिनेशन चल रही है अभी तो दिमाग में कि भाई ये पारित हो गया बिल, अब इससे भविष्य में क्या क्या हो सकता है, ये तो आप केवल इमेजिन कर रहे हो, कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाएं जो होती हैं वो वुड से आप हिंट दे सकते हो इसका। तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट की एबिलिटी को, सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता होती है, क्या इसकी योग्यता ये होती है कि रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू का मतलब क्या होता है, पुनरावलोकन, री का मतलब पुनः, व्यू का मतलब देखना, पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट किसको, गवर्नमेंट के अनरीजनेबल डिसीजंस को, गवर्नमेंट के जो भी अनरीजनेबल डिसीजंस है, अनरीजनेबल क्या होता है, जो भी अनुपयुक्त, अनुचित जो डिसीजंस हैं उनको वो रिव्यू करता है। इज टू ब्रिंग, इज किसके लिए है, ये है, ये है इसके लिए कि जो लेजिस्लेशन है जो कि ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट की एबिलिटी को दूर, सुप्रीम कोर्ट की वो एबिलिटी दूर कर देगा, इसकी एबिलिटी क्या है, अनरीजनेबल डिसीजंस को
रिव्यू करने की कि जो भी डिसीजन सरकार ने लिए हैं और अगर वो अनुचित डिसीजन है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, लेकिन अब इस विधेयक के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, इज टू ब्रिंग अ बैलेंस, तो ये जो विधेयक है ये किस लिए है, ये लाने के लिए है। ठीक है, लाने के लिए है क्या, बैलेंस, संतुलन किस किस के बीच में, बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, सरकार और न्यायपालिका के बीच, बिटवीन के साथ में हमेशा एंड लगता है, याद रख ही लीजिएगा इस बात को, बिटवीन के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। ठीक है, जुडिशरी के पहले देखो यहां दे नहीं लगा रखा, लगना चाहिए था, क्लियर है बात। इजराइल्स पॉलिटी हैज शिफ्टेड, इजराइल की जो राजनीति है, इजराइल पॉलिटी, पॉलिटी यहां पे सब्जेक्ट है ना, नाउन है दोनों ही, मैंने कहा था अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ हो, जिस अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द हो, दोनों ही क्या होते हैं, नाउन, ये दोनों नाउन है। पॉलिटी की वर्ब हैज शिफ्टेड, शिफ्ट की तीनों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, शिफ्टेड। तो कह रहा है इजराइल की जो पॉलिटी है वो शिफ्ट हो चुकी है, इजराइल की जो राजनीति है वो शिफ्ट हो चुकी है, शिफ्ट मतलब तब्दील हो चुकी है, कहां तक, टू द राइट, राइट तक। राइट का मतलब क्या है कि इजराइल की राजनीति आज राइट विंग के इर्द गिर्द घूमती है, पुटिंग गवर्नमेंट्स ऑफन लेड बाई राइट विंग और सेंटर राइट पार्टीज विद सपोर्ट फ्रॉम फार राइट पार्टीज एट ओड्स विद द जुडिशरी। अब जब राजनीति यहां पे राइट हो चुकी है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट्स, सरकारें अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, अच्छा इसको ध्यान रखना, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, हो सकता है बचपन में ये कहकर पीटा गया हो, डांटा गया हो आपको कि आप इस शब्द को गलत पढ़ रहे हो, ऑफ्टन पढ़ रहे हो, जबकि टी दे रखा है आपको, याद करो उस दिन को स्कूलिंग में आपने अगर किस वर्ड को ऑफ्टन पढ़ा हो, टीचर ने तुम्हें डांटा हो, पीटा हो, है ना, तो वो गलत है, वो ऑफ्टन भी होता है और ऑफन भी होता है, दोनों ही इसके प्रोनंसिएशन है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में बात करोगे, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, वो कौन सी इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें इसको पढ़ते हैं ऑफन। अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं ऑफ्टन, क्या पढ़ते हैं, ऑफ्टन, दोनों ही प्रोनंसिएशन हो सकते हैं, इसका मतलब होता है अक्सर। लेड जो है वो लीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, लेड किसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, लीड, एल ई ए डी की। तो वो गवर्नमेंट्स जिसका नेतृत्व कौन करता है, राइट विंग या सेंटर राइट पार्टीज, वो पार्टियां जो है तो राइट विंग पार्टी है, राइट विंग का मतलब बताया, जो कंजर्वेटिस्ट पार्टीज हैं, या फिर सेंटर राइट पार्टीज है, सेंटर राइट का मतलब होता है ये थोड़े से संतुलित रूप से कह सकते हो कि कंजर्वेटिस्ट होते हैं, मतलब आप चेंज का विरोध तो करोगे लेकिन थोड़े से संतुलित, थोड़े से नरम पड़ जाते हो आप, उसको सेंटर राइट बोलते हैं, विद सपोर्ट फ्रॉम फार राइट पार्टीज, और इनको सपोर्ट किसका हासिल होता है, फार राइट पार्टीज का। फार राइट का मतलब एक्सट्रीम राइट, ये बहुत ही उग्र विचारधारा के होते हैं, कंजर्वेटिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ रख देते हैं गवर्नमेंट को, एट ओड्स, एट ओड्स का मतलब होता है इनवेरियंस या इन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये एकदम मतलब डिसएग्रीमेंट में ला देते हैं पार्टीज को, मतलब गवर्नमेंट को, किसके साथ, जुडिशरी के साथ, न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका की और सरकार की बनती नहीं है। फिर समझ लीजिए, इसराइल की पॉलिटी आज बदल चुकी है, कहाँ जा चुकी है, राइट की तरफ, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ है तो इससे क्या हुआ है, जो सरकारें, सरकार कौन सी, जिनको कौन नेतृत्व करता है, सरकार में वो पार्टीज होती हैं जो राइट विंग वाली पार्टी है या सेंटर राइट पार्टीज होती हैं, सपोर्ट किसका होता है, फार राइट पार्टीज का होता है, तो इन सरकारों को ये जो पॉलिटी है ये रख देती है जुडिशरी के अगेंस्ट, कि इनकी जुडिशरी से नहीं बनती है, इनका तालमेल नहीं बैठता है। मिस्टर नेतान्याहूज अलाइज, अलाइज होता है फ्रेंड, जो मित्र पार्टियां हैं उसको बोलते हैं अलाइज, ये किसकी, मतलब बहुवचन किसका है, अलाई का, बहुवचन किसका है, ए डबल एल वाई, अलाई, अलाई का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है, मित्र पार्टी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर नेतान्याहू के जो अलाइज हैं, जो मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू प्रधानमंत्री हैं, उनके जो मित्र पार्टियां हैं, वॉन्ट, अलाइज प्लूरल है, इसकी वर्ब आ गई वॉन्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट रही वर्ब, ये चाहती हैं टू फिक्स दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फिक्स मतलब ठीक करना, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, डिफरेंस, ये जो मतभेद होते हैं सरकार के और न्यायपालिका के, ये जो डिसअग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में, इनकी आपस में तालमेल नहीं बैठता है, इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कैसे, थ्रू है, माध्यम के लिए आता है, थ्रू प्रेपोजिशन होता है, माध्यम के लिए आता है, किस माध्यम से, जुडिशियल ओवरहॉल के माध्यम से।
का मतलब न्यायपालिका का ओवरहॉल करके, कानूनी सिस्टम का एकदम कंप्लीट चेंज करके, रिफर्बिश करके ऐसा करना चाहते हैं। तो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो चाहते हैं कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को किया जाए फिक्स। किस माध्यम से किया जाए? जुडिशियल ओवरहॉल के माध्यम। थोड़ा सा और सुनिए, नेतन्याहू नाउन है, अलाइज नाउन है, अपोस्ट्रोफे है तो जिनिटिव केस है। कौन सा केस है? जिनिटिव केस। ये मैं बार बार में नाम ले रहा हूँ तो कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हो कि जिनिटिव कौन सा, स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है जिनिटिव केस। संबंध कारक बोलते हैं, पजेसिव मान सकते हो। वॉन्ट है वो वर्ब है, टू फिक्स है वो इन्फिनिटिव है। दिस ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जब आगे नाउन होता है तो एडजेक्टिव होता है, दिस के बाद में नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन बन जाता है, कैटेगरी होती है डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक बोलते हैं इसको। कॉन्ट्राडिक्शन नाउन है, टी आई ओ एन दे रखा है, ठीक है। थ्रू प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, जुडिशियल एडजेक्टिव है, ओवरऑल नाउन है। बट द प्रॉब्लम इज, लेकिन लेखक कह रहा है प्रॉब्लम क्या है, बट है कंजंक्शन, दैट डिटर्मिनर प्रॉब्लम नाउन। इसकी प्रॉब्लम ये है कि, क्या प्रॉब्लम है, इज दैट, वो ये है कि ब्रिंगिंग द जुडिशियरी द ओनली पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेक ऑन द गवर्नमेंट, कि जुडिशियरी को लेकर आना, बीच में इसने दे दिया जुडिशियरी का परिचय। जुडिशियरी क्या है? द ओनली, हमेशा याद रखिए कि जब ओनली के पहले द लग रखा हो तो इसका मतलब होता है एकमात्र। वैसे ओनली का मतलब क्या होता है? केवल होता है, लेकिन ओनली के पहले द लगा रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? एकमात्र, ठीक है। तो कह रहा है कि जुडिशियरी जो है, जो कि एकमात्र, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, चेक का मतलब कंट्रोल, चेक का मतलब कंट्रोल, ऑन मतलब पर, किस पर? गवर्नमेंट पर। तो सरकार पर अगर कोई पावरफुल संस्था है जो कंट्रोल कर सकती है वो होती है न्यायपालिका, और सरकार किसी के वश में आती नहीं है। तो जुडिशरी को लेकर आना किस अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार के नियंत्रण के अधीन, कुड कोज द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बैलेंस इन इजराइल पॉलिटी टू डिटेरियोरेट, तो क्या कर सकता है? कुड बता रहा है पॉसिबिलिटी, हो सकता है, कोज कारण बने, एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में अस्तित्व में है, जो एक्सटेंट है, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक्सटेंट, जो अस्तित्व में है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, जो भी संस्थागत बैलेंस है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनके बीच में एक बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस इसको बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस होता है इसराइल की राजनीति में, ये हो सकता है कि ये क्या हो जाए? डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट क्या होता है? बिगड़ना, और अधिक खराब हो जाना, वर्सन हो जाना, ठीक है। स्पेशली मतलब विशेषकर, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिक्यूलरली, है एडवर्ब ये। व्हेन फार राइट पार्टीज आर ऑन द असेंट, जब फार राइट पार्टीज, फार राइट पार्टीज क्या होती है बताया था, आर है ऑन द असेंट, ऑन द असेंट का मतलब ऑन राइज, मतलब इनका उत्थान हो रहा है, ये आगे बढ़ रही हैं उस दौर में। एक बार फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम की वर्ब इज है, दैट कंजंक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रिंगिंग ये आपका सब्जेक्ट है, और याद रखें सब्जेक्ट जब आईएनजी फॉर्म से बनता है, जब जब सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म से बनता है उसे नाम देते हैं जेरेंड। क्या नाम देते हैं? जेरेंड, ठीक है, वर्बल नाउन। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जुडिशरी को लेकर आते हो किसके तहत? गवर्नमेंट कंट्रोल के तहत, उससे क्या हो सकता है? उससे जो अभी फिलहाल इसराइल की राजनीति में जो भी बैलेंस बना हुआ है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वो हो सकता है डिटीरियोरेट, वर्सन हो सकता है, और विशेष करके तब जब फार राइट पार्टीज राइज पर हैं, जब इनका ये प्रोग्रेस कर रही हैं। बीच में दे रखा जुडिशरी की बातें कि ये एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, एकमात्र संवैधानिक नियंत्रण है, किस पर? गवर्नमेंट पर। आगे देखिए, दिस इज वॉट ट्रिगर्ड, दिस की वर्ब इज है, यही वो चीज़ है जिसने ट्रिगर किया। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, ठीक है, इसको आप कर सकते हो स्पार्क या कोज, कारण बनना। यही वो कारण था जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, प्रोटेस्ट हुए, किसके द्वारा? वर्कर्स के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, रिजर्विस्ट, रिजर्विस्ट होता है मिलिट्री रिजर्व फोर्स, वहां के सेना में जो रिजर्व फोर्स है उनके द्वारा। द बैकबोन ऑफ इसराइल मिलिट्री, बता रखा है कि रिजर्विस्ट कौन है, ये एक रीड है, ये एक मुख्य आधार है इसराइल के मिलिट्री का। ये क्या कर रहे हैं? हु अक्यूज, ये आरोप लगा रहे हैं किस पर? नेतन्याहू पर। अक्यूज के साथ लगता है ओ, किस चीज का आरोप? ट्राइंग, कोशिश करने का। कोशिश क्या की जा रही है? अंडरमाइन करने की। अंडरमाइन क्या बताया था? कमजोर करना, किसको? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? यही वो चीज है
जिसने की ट्रिगर किया, ये दिस की वर्ब, ये व्हाट की वर्ब, किसका प्रोटेस्ट, जिसने की आग लगा दी है, जो कि कारण बना है, जिसने चिंगारी भड़का दी है इन आंदोलनों की, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो मतलब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, है ना, किसके द्वारा हो रहे हैं, वर्कर्स के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, इनके द्वारा, ये लोग क्या कर रहे हैं, अक्यूज़ कर रहे हैं किसको, नेतन्याहू को, किस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं कि ये कोशिश कर रहा है ये आदमी, और प्रेपोजिशन है तो आगे ING लगेगा, किस चीज़ का प्रयास कर रहा है, अंडरमाइन करने का, कमज़ोर करने का, किसको, लोकतंत्र को, ठीक है। ये तो हो गया आज का एडिटोरियल, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, मंडे टू संडे हर शाम 5 बजे, इंतज़ार करिए, एक वीडियो मिलता है मंडे टू फ्राइडे द हिंदू एडिटोरियल, सैटरडे संडे कोई और सेशन, लेकिन मिलेगा ज़रूर, हर 7 दिन 5 बजे आप इंतज़ार करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ सेशन, और लाइक ज़रूर करके जाएँ। सी यू टुमारो एट 5 PM।